मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास पर जन चौपाल भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखा, जिसमें लोगों और दिव्यांगों की समस्याएं सुनी। कई लोगों की समस्याओं का तत्काल निराकरण किया गया तो कुछ लोगों का निराकरण करने का आश्वासन भी दिया गया है। मुख्यमंत्री ने रायपुर हांडीपारा से कठिन आर्थिक समस्या को लेकर आए सुरेश सोनकर की स्वेच्छानुदान से 10,000 रुपए की सहायता राशि मंजूर की। राजनांदगांव से तोतली भर्री से आए रमेश्वर दास मानिकपुरी ने विकलांग पेंशन के लिए आवेदन दिया, जिसे मुख्यमंत्री ने समाज कल्याण विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है। बलौदा बाजार के जन मानव कल्याण के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनकी संस्था दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए अगरबत्ती और फिनाइल बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रही है, उनकी शिक्षा के लिए भी काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने इस संस्था की कार्यों की सराहना की है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जन चौपाल में लोगों की समस्याओं और योजनाओं का फीडबैक लेते हैं, उनसे उनकी समस्याओं से रूबरू होते हैं और आज पूरा दिन मुख्यमंत्री निवास में मुलाकातों का दौर चला। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर अखिलेश।